गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल भूटिया भाई जी। दोस्तों आ चुका हूँ दौलत एपिल फार्म लंपक मलारी में। और गाइज यहाँ पे एक आतंकवादी यहाँ पे घुसपैठ कर रहा हुआ है, और किस तरह का आतंकवादी है आपको आगे देखने को मिलेगा। चल रहा है सेब की पेटी पैकिंग वगैरह का, और उस आतंकवादी ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है, और वो आपको आगे देखने को मिलेगा किस तरह का आतंकवादी है, और मुठभेड़ भी हो सकता है उस आतंकवादी से। और सेल्फ डिफेंड के लिए यहाँ पे मैंने देख सकते हैं गन भी रखा हुआ है। और तो गाइस किस तरह से यहाँ पे नुकसान पहुँचा रहा है वो आतंकवादी, और उस आतंकवादी के पास बिना हथियार के वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा रहा है। और तो गाइस वो बिना हथियार का आतंकवादी है, और वो ज़्यादातर रात ही को यहाँ पे घुसपैठ कर रहा है। और अभी मॉर्निंग के वक्त में यहाँ आ चुका हूँ दौलत एपिल फार्म में, और यहाँ पे अभी 9-10 बज चुका है, और यहाँ पे अभी पेटी वगैरह का पैकिंग चल रहा है, तो अभी तो नज़र नहीं आ रहा है। तो उसका जो टाइमिंग है रात के टाइम, और अभी कुछ इस तरह का नज़ारा है दौलत एपिल फार्म में। आगे देखते हैं क्या सीन होने वाला है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अखरोट रखे हुए हैं कुछ, और कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से वेस्टेज हो चुके हैं। और इसके बारे में दिखाऊँ, घुसपैठों ने यहाँ पे भी अटैक करा हुआ है, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरा अंदर का खा के कुछ इस तरह से छिलके यहीं पे छोड़े हैं। तो आप देख सकते हैं इतना सारा वेस्टेज है यहाँ पे। तो घुसपैठ कितने हो सकते हैं ये आपको आगे पता लग ही जाएगा, और किस तरह के घुसपैठ हैं ये, इनको भी मैं लास्ट में एक्सपोज करूँगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, क्या क्या सीन करा हुआ है इन घुसपैठियों ने फार्म में। तो गाइस पेड़ से सारे सेब हमने निकाल के कुछ इस तरह से यहाँ पे कलेक्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे मैंने पेटी बना के तैयार रखा हुआ है इस तरह से। यहाँ पे सारे फ्रेम वगैरह और कुछ स्टेप रोल से मैंने इस पेटियों को बना दिया है, और अब इन सेबों का ग्रेडिंग करना है। ग्रेडिंग करके इन पेटियों में पैक हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे पेटियाँ भर चुकी हैं, और इसके बाद इनको अब टेपिंग कर लेता हूँ। तो गाइज बगीचे में आतंकवादी ने क्या क्या सुराग छोड़ा है तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आतंकवादी के कुछ ऐसे सुराग जिसको देख के आप पहचान जाएंगे कि किस तरह का आतंकवादी है वो। तो धीरे धीरे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ सुराग। तो गाइस मेरे को मिल चुका है सुराग, और उस आतंकवादी ने यहाँ पे कुछ मिसाइल छोड़ा हुआ है, और ये देख सकते हैं ये है वो मिसाइल। भाई समझ चुके होंगे आप क्या चीज़ है, और आगे दिखाता हूँ मैं किस तरह के मिसाइल छोड़े हैं उस आतंकवादी ने। तो आगे ले चलता हूँ मैं आपको धीरे धीरे। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है मिसाइल। और गाइज यहाँ पे भी देखिए ये इस तरह से यहाँ पे ब्लास्ट हो चुके हैं ये मिसाइल, और ये देखिए, और रंग बिरंगे मिसाइल भाई साहब, और एक मिसाइल यहाँ पे भी, और ये देखिए भाई साहब कुछ इस तरह से मिसाइल। और गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से ये वाला, ये देखिए यहाँ पे भी ये मिसाइल छोड़ा है, तो कुछ इस तरह का छोड़ रहा है भाई साहब। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेब झड़े हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा रहा है वो आतंकवादी। और धीरे धीरे आगे चलता हूँ मैं और कुछ दिखाता हूँ। और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं पेटी लगभग यहाँ पे पैकिंग हो चुके हैं, तो यहाँ पे जगह जगह मैंने पेटियाँ पैकिंग करी हुई है। और आगे चलते हैं, और कुछ पेटियाँ यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरह से। तो गाइज अभी आप देख रहे होंगे जो पैकिंग चल रहा है मेरा, तो ये वाली वैरायटी है वो, ये छोटे वैरायटी के, तो अभी लगभग इन्हीं की पैकिंग चल रही है, तो लगभग आज ये वाले पैकिंग कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट पैकिंग होने वाले हैं वो डेलिशियस के और ग्रीन डेलिशियस वगैरह और गोल्डन सेबों की नेक्स्ट कल से होने वाला है पैकिंग। तो आज लगभग ये छोटे वाले सेबों को एंड कर देते हैं और चलते हैं आगे। तो ये है भाई साहब डेलिशियस के
शानदार सेब। और गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक मिसाइल छोड़ा है, आपको दिखा देता हूँ जूम करके किस तरह का मिसाइल है यहाँ पे। और अभी दिखाता हूँ उसकी मिसाइल के यहाँ पे अटैक क्या 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 हुआ है। यहाँ पे आप सेब का पेड़ देख रहे होंगे और ये देखिए भाई, कुछ इस तरह से उसने पूरी टहनी की वाट लगा के रखी है। और आप देख सकते हैं ये दो टहनी को उसने तोड़ दिया है। और कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से इसको काट दिया है। और इसको काटने के बाद यहाँ पे हमने इस पर दवाई वगैरह लगा दिया है जिससे कि ये यहाँ पे से सड़ेगा नहीं आगे के लिए, तो इसे पैक कर दिया है दवाई से तो पेड़ ख़राब नहीं होगा इससे। तो इस तरह का नुकसान कर रहा है वो धीरे धीरे। और आप देख सकते हैं इतना बड़ा पेड़ की टहनी, कितना बड़ा लॉस है। तो इस तरह का सीन कर रहा है वो। तो अभी बताता हूँ क्या है वो आतंकवादी। तो गाइस कुछ इस तरह से नुकसान पहुँचा रहा है ये भाई रिक, इस तरह से खा रहा है सेब वो। तो गाइस जैसे कि आपने मिसाइल देखी लगभग पता लग ही गया होगा किस तरह का आतंकवादी है। तो वो आतंकवादी है जंगली आतंकवादी, और यहाँ पे तहलका मचा रहा है वो बहुत ही खतरनाक। और जैसे कि आप देख रहे होंगे दो चार पेड़ों की उसने टहनी तोड़े हुए हैं, और यहाँ पे आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है। उससे पहले यहाँ पे रोकथाम का हमने व्यवस्था कर लिया है। और यहाँ पे अब आजकल जैसे कि आपको मालूम होगा सेब का सीजन चल रहा है और पेटियाँ पैकिंग हो रही है, और यहाँ पे वो पेटियों पे भी अटैक कर सकता है। तो किस तरह का रहने वाला है ये डेंजर, जून हो चुका है और वो हम पे भी अटैक कर सकता है। तो उसके सेफ्टी के लिए आपने मेरे पास देख ही दिया होगा, मैंने गन रखा हुआ है। और ज़्यादातर वो रात ही को ही यहाँ पे एंटर कर रहा है और मॉर्निंग से शाम तक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और मिसाइल यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग कलर के मिसाइल। तो देखते हैं, अगर दिखता है तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा उस जंगली जानवर को। और यहाँ पे जंगली जानवर कितने हैं अभी बता नहीं सकते हैं। और तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, तो लेट्स गो। तो गाइज आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और मेरे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे राजा राणा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।